अलका, तुम्हारे घर में तो अंधेरा है, लगता है तुम्हारे मम्मी डैडी बाहर गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, उन्हें तो पता है कि हम दोनों आने वाले हैं। मैं आने वाला था तभी तो गायब हो गए वो लोग। तुम भी ना। कोई दरवाजा भी नहीं खुल रहा, क्या बात है? दरवाजा भी खुला है, मम्मी डैडी कहाँ चले गए? मम्मी पापा, मम्मी मम्मी, हमें लेने के लिए आने वाली है। पापा, कौन आने वाली है? वो बिंदिया। बिंदिया, क्या आप क्या कह रही हैं? वो कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है। हाँ, वो मर चुकी है, मगर फिर भी वो आएगी। फिर भी आएगी? वो सारे बच्चे जो 17 साल की उम्र में मर गए थे, वो सब वापस आ गए हैं अपने घर वालों को अपने साथ ले जाने। बिंदिया भी आएगी हमें हमें उसके साथ ले जाने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हल्का हल्का, हमें बचा लो हमें। कभी भी आ सकती है वो। मम्मी, पापा। अलका, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया तुम्हारे मॉम डैड को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये 17 साल के बच्चों के मरने का क्या चक्कर है? वो अपने पेरेंट्स को क्यों वापस ले जा रहे हैं? और ये बिंदिया कौन है? मत पूछो, कुछ मत पूछो। ये शहर बहुत ही डरावना है। इस शहर में हर बच्चा 17 साल की उम्र में मर जाता है। मर जाता है? कैसे? एक बुरी ताकत उनको मार डालती है। बुरी ताकत? कैसी बुरी ताकत? पता नहीं। कम ऑन अलका, तुम इन सब बातों में बिलीव करती हो? क्या हो क्या गया तुम्हें? सूरज, वो एक बुरी ताकत है। मैंने देखी है अपने आप मेरी छोटी बहन बिंदिया की मौत, वो भी 17 साल की उम्र में हुई थी। तुम्हारी बहन की मौत हुई है? 9 साल पहले की बात है। हमें शहर में कुछ ही दिन हुए थे। मेरी छोटी बहन बिंदिया का 17वां जन्मदिन था। क्या हुआ? आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम ये बेड के नीचे ये कंबल के अंदर क्या कर रही हो? बिंदिया दीदी, आपको पता है ना, आज मैं 17 साल की होने वाली हूँ। मैं बाहर नहीं निकलूंगी। ये भी कोई बात हुई? चलो बाहर आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो। नहीं दीदी, इस शहर में जिसका भी 17वां जन्मदिन होता है, वो बुरी ताकत आकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। मैं बाहर नहीं आऊंगी। बिंदिया, ऐसा कुछ नहीं है।
दिमाग घूम गया यहाँ के लोगों का, कुछ भी बकते रहते हैं। चलो तुम बाहर आओ, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। चलो चलो, मम्मी पापा तुम्हें कब से बुला रहे हैं, चलो केक काटते हैं। कुछ नहीं होगा दिया। कुछ नहीं होगा। कितनी देर कर दी बेटी, आओ केक काटो। बिंदिया, कुछ नहीं है वहां पर, क्या हो गया तुझे? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुझे, हम हैं ना तेरे साथ, चल केक काटते हैं। चलो दीदी। बिंदिया, 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 बिंदिया,
पूरी ताकत को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी उसे। उसने उसने मेरी बिंदिया को मार डाला। नहीं बेटी, तुम मत जाना वहां। एक बेटी को तो हम खो चुके हैं, दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहते हैं। और अब इन लोगों का कहना है कि वो सब मरे हुए लोग वापस आ रहे हैं, बिंदिया भी वापस आएगी हमें अपने साथ ले जाने के लिए। अलका, मरे हुए लोग जिंदा लोगों को वापस लेने कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बकवास है ये सब। अलका, तुम परेशान मत हो। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल हम घूमने जाएंगे, मम्मी डैडी को भी साथ में ले जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। देखिए, आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। और मैं भी तो हूं आपके साथ। बिंदिया मर चुकी है और वो क्या है? सूरज, सूरज, अलका, ये तो कोई लड़की है। तुम यही रुको, मैं देखता हूं। सूरज, सूरज के पास मत जाना, पता नहीं कौन है, क्या होगा उसके साथ। सूरज, 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 जिंदा हो। क्या हुआ अलका? वो बिंदिया है, ये हम सबको अपने साथ लेने के लिए वापस आई है।